हाय गाइस, आप सबका मैं एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको मेरा नाम पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम राहुल सूद है और मैं एक एक्टर होने के साथ साथ एक फिल्म मेकर भी हूं। एज एन एक्टर तो मैंने काफी सारे टेलीविजन सीरीज और कुछ एपिसोड्स आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। और एज अ फिल्म मेकर मैं काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और एड फिल्म्स बना रहा हूँ, जिसमें हाल ही में मेरी 3 फिल्में नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हैं। अगर मैं इस व्लॉग की बात करूँ तो इस व्लॉग में मैं एक ऐसे स्पोर्ट्स की बात करना चाहता हूँ जो राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शूटिंग की। शूटिंग राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर रहा है क्योंकि यहाँ पे हंटिंग एक पॉपुलर स्पोर्ट था, मगर आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इस स्पोर्ट पे बैन लग गया और धीरे धीरे जो शूटिंग थी वो हमारे राजस्थान से डिटेरियरेट होती चली गई। जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्टर करनी सिंह, जो कि बीकानेर के राजा थे, उन्होंने 1962 में कायरो में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया था और वो शूटिंग के अंदर पहले अर्जुन अवॉर्डी थे। इतने पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के होने के बावजूद राजस्थान में शूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं ले पाई क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं रहा। आज का ये मेरा ब्लॉग जगतपुरा शूटिंग रेंज पे है जो कि जयपुर में है और ये आपको शूटिंग रेंज की एक इंसाइट देगा और ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो शूटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। आई कैन मेक यू रेस्ट अश्योर कि ये बहुत ही बेहतरीन शूटिंग रेंज सरकार ने बनाई है और इसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ जगतपुरा शूटिंग रेंज। चलें। जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है और ये काफ़ी एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ पर आर्चरी के साथ साथ 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की शूटिंग रेंज बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको आर्चरी शूटिंग रेंज दिखाता हूँ। है ना बेहतरीन निशाना। ये है 10 मीटर शूटिंग रेंज। यहाँ पर काफी सारे लोग एक साथ शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है 25 मीटर शूटिंग रेंज।
और ये है 50 मीटर शूटिंग रेंज। अब हम आ गए हैं ट्रैप एंड स्किट इवेंट की तरफ। यहां पर डबल ट्रैप भी होता है इतनी शूटिंग देखने के बाद मेरी भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी एक हाथ आजमा लूं। क्यों सही था ना निशाना? ये एक इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा था जिस पे किसी कारणवश स्टे लग गया है और काफी टाइम से ये रुका हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।